प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में पहुंचे, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। वहीं सभा स्थल चंद्रभागा होटल के प्रांगण में पहुंचने पर लोगों ने जोरदार ढंग से खतक और टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बागी विधायक रवि ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि लाहौल स्पीति की जनता को पैसा कमाने वाला विधायक चाहिए या फिर सेवा करने वाला विधायक। रवि ठाकुर कभी भी स्पीति के लिए नहीं आए और न ही उदयपुर के लिए आए। बागी विधायक ने राजनीतिक मंडी में अपने आप को बेचा है। झोला तो ईमानदारी का पहनते हैं, लेकिन उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। आज मैं लाहौल आया, लाहौल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिला, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रेसिडेंट और जो हमारे प्रत्याशी थे सबसे मुलाकात की और सबने एक राय में कहा कि हम बिकने वाले विधायक को बिल्कुल जीतने नहीं देंगे। और जिसने लाहौल स्पीति जो देवी देवताओं की भूमि है हिमाचल प्रदेश, उस स्थिति में जो पूर्व बिके हुए विधायक रवि ठाकुर जी जो थे वो मेरे साथ आए और मेरे साथ ही वापस गए, काफी चिकनी चुपड़ी बातें की और ये पता नहीं था कि अगले दिन वो बिक जाएंगे, जिसके कारण सीट खाली हुई है। सभी का मानना है, पहले भी ये कार्यकर्ता मुझे मिले, कि हम अपने लाहौल स्पीति का जो संस्कृति है उसको जिंदा रखेंगे और जो ईमान बेचने वाले बिके हुए विधायक रवि ठाकुर जी गए हैं उनको इस बार चुनावों में सबक सिखाएंगे। उन्होंने बीजेपी पार्टी पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, जो पार्टी सत्ता के कुर्सी को हथियाने का कार्य करती है, वो पार्टी जनता का भला नहीं कर सकती। पर यहाँ आपके विधायक ने अपना ईमान भी बेचा और जिस धर्म ने ईमान ना बेचने की कसम खाती उस धर्म को भी बेचा, यानी कि अपने आप को वो चोला ओढ़ लेते हैं ईमानदारी का और वीर राजनीतिक मंडी के विचार में अपने आप को बेचती है। ऐसे विधायक को द्वारा चुनकर नहीं भेजना पड़ा। ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये बात उस लोकतंत्र की है जिसके वोट के माध्यम से हम लोग विधायक बनते हैं और जो पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है। आपकी भावनाएं होती है जब आप वोट डालने जाते हैं, सवेरे लाइन पर लगते हैं और उसके बाद अपने आप को सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए जो पार्टी इन विधायकों की खरीद कर दिया उस पार्टी को भी आपने सबक सिखाना है। विधानसभा के चुनाव भी साथ हो रहे हैं, लोकसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा से हमारे प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह जी हैं, विधानसभा से मैं सभी लोगों से बात करके जिसके पास हाथ का चुनाव होगा उसके पक्ष में आप लोगों ने वोट डालना। बता दें कि लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से करीब 21 लोगों ने बतौर उम्मीदवार हाईकमान से इच्छा जाहिर की है, जिसके चलते कांग्रेस हाईकमान पार्टी के किसी भी एक उम्मीदवार पर सहमति नहीं बना पाए। उसी पेच को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री ने केलांग आकर सभी इच्छुक उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से फीडबैक लिया। लाहौल स्पीति से प्रेमलाल की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।